जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं अपनी हर वीडियो में गुलाम हैदर के बच्चों की बात रखती हूँ। वो पाकिस्तानी बच्चे जो अभी सीमा हैदर के विरोध में हैं, जो मुझे खबर मिली उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, उन बच्चों के हवाले से यहाँ पे बात करती हूँ। उनको लेकर एक सवाल एक बहन ने बड़ा अच्छा किया है मुझसे, और उनका जवाब देना मैं अपना फर्ज समझती हूँ, क्योंकि भाई आप इस केस से जुड़े हो, आपका हक बनता है कि आप हर सच को जानें। एक बहन है रीना मरांडी, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया है, दीदी इन बच्चों की जिंदगी तो ये खराब कर चुकी है, अब बच्चे पाकिस्तान जाए या हिंदुस्तान, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसने जो बच्चों के साथ किया है, उनके भविष्य के साथ किया है, उसको लेकर बच्चे अब हर जगह लथाड़े जाएंगे, हर जगह उनको ये सवाल पूछा जाएगा कि इसकी माँ पाकिस्तान से इंडिया भागी थी इनको लेके, हर जगह सवाल खड़ा किया जाएगा कि ये इसकी माँ के कारनामे ऐसे रहे, हर जगह सवाल खड़ा किया जाएगा कि तुम ही वो बच्चे हो जो जिन्हें लेकर तुम्हारी माँ पाकिस्तान से इंडिया भाग गई थी और गैर मर्द के साथ रह रही थी, उन बच्चों की जिंदगी को दर से बदतर ये औरत बना चुकी है, अब क्या फर्क पड़ता है कि वो बच्चे इंडिया में रहे या पाकिस्तान में। तो बहन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा सवाल किया, तो मैं जरूरी समझती हूँ कि मैं आपकी बात का जवाब दूँ। बिल्कुल आपने एकदम सही क्वेश्चन किया, क्योंकि बच्चा जो होता है ना बहुत कोमल होता है, बहुत नाजुक होता है, बचपन में अगर उसके दिमाग में और दिल में कोई चोट ऐसी लग जाए जिसे बहुत दर्दनाक होता है, तो वो जिंदगी भर उस चोट को नहीं भूलता है, वो एक जख्म उस बच्चे के फ्यूचर को तबाह कर देता है। ये बिल्कुल सही बात है, कई बच्चों में ऐसा देखा, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बचपन में मासूम होते हैं, उनके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसके बाद आगे वो फ्यूचर में बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा ही गुलाम हैदर के बच्चों के साथ हुआ, मासूम बच्चे हैं अभी जो छोटे हैं, उन बेचारों को तो ये पता भी नहीं कि उनकी माँ उनके साथ कौन सा खेल खेल रही है, उनको कैसे लेके आई है और क्यों लेके आई है, उनको जो चीज़ें दे दी जाती है खेलने की, खाने की, या बर्गला दिया जाता है, तो वो बेचारे उतने में खुश हो जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं उनकी माँ ने मुल्क छोड़ दिया है और उनका फ्यूचर खराब कर दिया। और दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, और यहाँ पे बच्चों का भविष्य तो ये औरत तबाह कर चुकी है, क्योंकि जो बड़े दो बच्चे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, उनके दिल और दिमाग पे सीमा हैदर के लिए भरपूर नफरत पैदा हो चुकी है, और वो आने वाले समय में इसके लिए कितनी मुश्किलें खड़े करेंगे ये खुद भी नहीं जानती। जैसे कि गुलाम हैदर ने एक वीडियो में बोला भी है, सीमा हैदर सावधान हो जाना क्योंकि मेरा बेटा ही तेरा वो करेगा, बाकी चीजें मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ, ये बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो गुलाम हैदर ने बोली है बिल्कुल सही बोली। और रही बात उनकी इंडिया और पाकिस्तान जाने की बात, क्योंकि देखिए हम ये मानते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, क्योंकि कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है, वो बच्चे जिनकी जिंदगी औरत तबाह कर चुकी है, उनका मुल्क पाकिस्तान है, इंडिया में वो रहेंगे घुट घुट कर रहेंगे, अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाएंगे, किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, उनका यहाँ पे कोई भी अपना नहीं है, तो उनका पाकिस्तान जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका पिता वहाँ है, उसका मुल्क वहाँ है, वहाँ उसके साथ के बच्चे हैं, क्योंकि सब जानते हैं बच्चों के साथ गलत हुआ है, कोई भी उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, और आने वाले समय में वो बच्चे वो सब कुछ भूल जाएंगे, ये मेरा मानना है। जैसा कि अगर इंडिया में रहेंगे उनके दिल से वो नफरत कभी भी नहीं जाएगी अपने माँ के लिए, अगर वो पाकिस्तान में जाएंगे, अपने मुल्क जाएंगे, अपने लोगों के बीच जाएंगे, और धीरे धीरे उस माहौल में ढलेंगे, दो साल चार साल छः साल आठ साल दस साल वो बच्चे भूल जाएंगे, किसी हद तक तो भूल जाएंगे ना, जानते हैं पूरी तरीके से अपनी माँ की बेवफाई को नहीं भूलेंगे, लेकिन किसी हद तक वो भूल जाएंगे और अपने माहौल में ढल जाएंगे। बहुत जरूरी है बच्चों के लिए पाकिस्तान जाना, क्योंकि एक ऐसी साइको लेडी सीमा हैदर जिसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अय्याशी के लिए उन बच्चों को मोहरा बना के भारत में ले आई, इस औरत की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, इसको दिखाई नहीं दिया ये गैर मुल्क में प्रवेश कर रही है उन बच्चों को लेके, मासूम बच्चे, माइनर बच्चे, गुलाम हैदर जिसके लिए तड़प रहा है 15-16 महीने से, एक बाप लगातार गुहार लगा रहा है। मैं तो सल्यूट करती हूँ गुलाम हैदर भाई आपकी हिम्मत को कि आप उन बच्चों के लिए आज तक लड़ रहे हैं, बहुत हिम्मत है आपके अंदर, एक ऐसी लेडीज जो मुल्क पार करके आ गई, और एक ऐसा गुलाम हैदर जो उन बच्चों के लिए डबल 2 गुना 3 गुना 4 गुना मजदूरी कर रहा है ताकि वो भारत आ सके। ये औरत अय्याशी की कमाई दुनिया को दिखाती कि मेरे नाम से कमा रहे हो, गुलाम हैदर मेरे नाम से कमा रहा, मोबिन मेरे नाम से कमा रहे, यूट्यूबर मेरे नाम से कमा रहे, ये खुद
यहाँ पे रह के भारत में उस सचिन का परिवार को पाल रही है, जिस सचिन ने बयान दिया था कि यह पाकिस्तान में दुखी थी, परेशान थी, इसके चार चार बालक थे, कौन उन बालकों को देखता। तो बेटे तू देख रहा है क्या, अब तेरी कमाई खा रहे क्या इसके बालक? गुलाम हैदर के बच्चों के नाम से खा रहा है, तू खुद पल रहा है। और याद रखना, भारत के अंदर जो तूने गलती की है वो इतिहास में एक मिसाल कायम करेगी, तेरी इस गलती को कभी जिंदगी भर नहीं भूला जाएगा। तो दुनिया का भारत का पहला वो इंसान है जिसने इतनी बड़ी बड़ा अपराध करने की हिम्मत करी, और इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, जो लोग बार बार कहते हैं कि कुछ नहीं कर रही भारत सरकार, भारत का कानून कुछ नहीं करेगा, जिंदगी में 16 साल की उम्र से सोशल मीडिया से हूँ, कानून को भी देखते आई हूँ, तो मैं 100% आज भी श्योर हूँ कि भारत का कानून अपना डिसीजन जरूर लेता है, तब जब यहाँ तक कि मैटर कोर्ट में है, इतनी सारी इसको धाराएं लगी हैं। और कुछ लोग कहते सीमा हैदर पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, तो मैं बिल्कुल भी इसको इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता सीमा हैदर डिपोर्ट होगी, क्योंकि जितनी धाराएं इस पे लगी हैं उसकी सजा काटते काटते इसकी आधी उम्र बीत जाएगी। और याद रखेगी, ये कहती है ना मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, अगर मैं जाऊंगी मैं अपने साथ ये कर लूंगी, मैं अपने साथ ये वो कर लूंगी, इमोशनली जो है वीडियोज डालती है, तो इसको पता भी नहीं चलेगा जिस दिन भारत की अदालतें से सजा सुनाएंगी उस दिन उस पर इसकी डिपोर्टिंग की तारीख भी लिख दी जाएगी, उस तारीख को इसकी इजाजत नहीं ली जाएगी, सीधे से डिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे अपनी मर्जी से आई थी, यहाँ से अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती। आप देख रहे हो ना, इसने खुद की जिंदगी तो नरक बना दी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था बाहर की, इसको असर पड़े कि बाहर की हवा क्या होती, खुली हवा, और आजाद जिंदगी क्या होती जो पाकिस्तान में काट कर आई है, जिसको एक गाली देती है, जिस मुल्क को जहाँ की पैदाइश को गाली देती है, जहाँ के बच्चों को आतंकवादी बोलती है। तो मैंने कल वीडियो बनाया था कि भाई ये होती है आजादी, खुली हवा में थोड़ी अंदर घुटन। अभी मैं बैठ के वीडियो बना रही, मुझे लगा कि थोड़ा मैं वातावरण से बाहर जाऊं, तो ये भी नहीं कर सकती। उस गेट से बाहर जाने के लिए परमिशन चाहिए, और हाँ छत में जाती है। जो औरत दिन रात 25,000 के सूट पहनती थी, होटलों में जाती थी, बिरयानी खाती थी, घूमती थी, गुलाम हैदर के पीठ पीछे कई कई गुल खिलाती थी, वो औरत रबुपुरा के एक घर से बाहर नहीं जा सकती है। अब कई लोगों का मानना है कि भाई ये बाहर घूमती थी रात को सड़कों में, गाड़ियों में, है इस चीज से मैं अपनी राय, तो जहां तक मुझे लगता है ऐसा ये नहीं कर सकती, क्योंकि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर हो सकता है जिस तरीके से लोगों ने इसके ऊपर अपना हाथ रखा था, तो हो सकता है उनके जरिए से ऐसा करती रही हो, ये भी हो सकता है। इस पर मैं बिल्कुल अपनी राय एकमत नहीं रख सकती, कुछ भी हो सकता है। ये औरत जिस तरीके से सीना ठोक के दावा कर रही कि भारत की हूँ, भारत में रह रही, सनातनी हूँ, और धर्म चेंज कर देना और भारत में रहकर अपने मुल्क को गालियां दे देना, वो औरत कुछ भी कर सकती है, इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। फिलहाल हम तो उन चार बच्चों की ही सोच रहे जो बेचारे यहाँ फंसे हुए। जी हाँ दोस्तों, फंसे हुए। ये कहता है लप्पू भी कि बालक सुखी है, ये भी कहती मेरे बच्चे भारत में सुखी हैं, तो तूने केवल अपनी खुशियों का ध्यान रखा, क्योंकि तेरे ही बालक तेरे खिलाफ जाएंगे। सीमा हैदर याद रखना इस चीज को, क्योंकि तूने उन चार बच्चों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, उसका खामियाजा तुझे इसी जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। पल पल रोएगी, तिल तिल मरेगी, तुझे इन बच्चों के साथ किए हुए उसका एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। तू ऐसी माँ है जिसने अपने बच्चों का घर बेचा, पति का घर बेचा, बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा दिया। अरे कहते हैं ना डायन भी साथ हार घर छोड़ के वार करती है, तू तो ऐसी डायन निकली कि अपने बच्चों को निकल गई। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि उन बच्चों के साथ भविष्य में अच्छा हो, आने वाला समय अच्छा बीते उनके साथ। पाकिस्तान भी देखो उनका अपना मुल्क है, हम ये नहीं कहते उनको दिन रात ताना दिया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस औरत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया, तो वो बच्चों को सब जानते, सब पहचानते, और पूरे देश की, हमारे भारत देश की संपत्ति उन बच्चों के साथ है। नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे, माइनर बच्चे हैं, उनके फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसी माँ किसी को ना मिले जिंदगी में, और उन बच्चों के साथ भगवान अच्छा करे, ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, और आने वाला भविष्य उनका अच्छा हो। गुलाम हैदर के साथ हम उन बच्चों को आगे भी देखते रहना चाहते हैं। ये कहती है ना यूट्यूब से मेरे नाम से कमा रहे हो, तब भी हम गुलाम हैदर के उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान जाने के बाद भी। ऊपर वाले की दुआ से अगर इंसान आगे बढ़ता है तो ये सब चीजें मिट जाती है। गलत उनकी माँ ने किया था, बच्चों ने नहीं किया,
बच्चों का फ्यूचर कभी खराब नहीं होगा, बच्चों का फ्यूचर अच्छा ही होगा। बहन आप सब दुआ कीजिए, आपने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे अच्छा लगा आपने क्वेश्चन किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि अगर बच्चे यहाँ रुकते भी है फ्यूचर खराब हो गया करके तो भी कुछ नहीं है, उनका फ्यूचर केवल पाकिस्तान में ही है। बच्चे ये सब चीज़ें मिट जाती, समय के साथ सब चीज़ खत्म हो जाता है। सीमा हैदर जेल जाएगी तो बच्चों को खुद ही लगेगा उसको उसके कर्मों का सजा मिल गया और वो खुद भूल जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेवक हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।